गुड मॉर्निंग। आज अपन लाइकोपोडियम के बीजाणु उद्भिद पादप के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने लाइकोपोडियम के बीजाणु उद्भिद पादप के बाह्य आकारिकी तथा आंतरिक आकारिकी, जिसमें जड़ तना के बारे में पढ़ चुके थे। आज पर्ण की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्ण लाइकोपोडियम की माइक्रोफिलस प्रकार की होती है, यानी लघु पर्ण टेरिडोफाइट है। इनकी पत्तियां छोटी होती है, इसलिए इसे लघु पर्णी टेरिडोफाइट कहते हैं। तने पर पत्तियां सर्पिलाकार क्रम में भी पाई जाती है अथवा कुछ जातियों में चक्करदार होती है। चक्करदार प्रकार का पर्ण विन्यास लाइकोपोडियम सर्नुअम नामक जाति में मिलता है। इसमें चक्करदार होता है। सारी पत्तियां समान साइज की होती है। इस प्रकार की व्यवस्था को समपर्णी कहते हैं और आइसोफिलस कहते हैं। लाइकोपोडियम की एक जाति है लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल, उसमें पत्तियां दो प्रकार की पाई जाती है, इसलिए यह विषम पर्णता का उदाहरण है। इस जाति को छोड़कर के बाकी सभी जातियां लाइकोपोडियम की समपर्णी होती है और पत्तियां सर्पिलाकार भी होती है, चक्करदार में भी व्यवस्थित रहती है। पत्तियों में व्रंत नहीं होता है, इसलिए यह अव्रंती सेसाइल होती है। इसका आधारी भाग चौड़ा होता है और शीर्ष भाग संकरा होता है, जिसमें एक अशाखित मध्य शिरा पाई जाती है। जब इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो इसकी अनुप्रस्थ काठ काटने के बाद इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो इसकी बाह्य रूपरेखा त्रिकोणीय दिखाई देती है। इसकी बाह्य रूपरेखा त्रिकोणीय दिखाई देगी, इस तरह से त्रिकोणीय दिखाई देगी और ये चारों ओर से अधिचर्म के द्वारा ढका रहता है और इस अधिचर्म पर ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों ओर रंध्र पाए जाते हैं। आंतरिक संरचना तीन स्पष्ट भागों में बटी रहती है। बाह्य क्षेत्र जिसे अधिचर्म कहते हैं, मध्य क्षेत्र को कॉर्टेक्स कहते हैं और केंद्रीय भाग में रंभ पाया जाता है, जिसमें जाइलम केंद्र भाग की ओर उपस्थित होता है और इसके चारों ओर फ्लोयम उपस्थित रहता है। मध्य भाग जिसे वल्कुट कहते हैं, लेकिन यह वल्कुट जो है इस पर्ण के केस में इसे पर्ण मध्योतक कहते हैं, मेसोफिल टिश्यू कहते हैं। मेसोफिल टिश्यू अनेकों थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस टिश्यू से निर्मित होता है। इन कोशिकाओं के मध्य में इंटरसेल्युलर स्पेस पाए जाते हैं और ये कोशिकाएं सभी कोशिकाएं मिल करके पर्ण मध्योतक को निरूपित करती है। सबसे बाहरी स्तर अधिचर्म कहलाता है, अधिचर्म है। एपिडर्मिस से सिंगल लेयर्ड है, एक ही परत का बना होता है ये और इसी एपिडर्मिस पर सतह के दोनों ओर रंध्र उपस्थित रहते हैं। यहाँ पे ये स्टोमेटा को दर्शा रहा है, ये स्टोमेटा होते हैं, ये स्टोमेटा हैं। इसे रंध्र कहते हैं। ये केंद्रीय भाग में जाइलम है,
ये फ्लोएम है और ये इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस के कार्य को संपन्न करता है और सवयें फूल बनाती है। इस प्रकार इसकी जो लीफ है वो फोटोसिंथेटिक ग्रीन होती है और इनके पर्ण जो है, इनकी जो पत्तियां हैं उसमें लिग्यूल नहीं होता है, इसलिए लाइकोपोडियम के लीफ को ई लिग्यूलेट कहते हैं। ई लिग्यूलेट प्रकार की होती है। ये मीजोफिल टिश्यू है, इसे हम कहते हैं मीजोफिल टिश्यू। एपिडर्मिस स्टोमेटा। इस प्रकार लाइकोपोडियम के बीजाणु उद्भिद पादप के तीनों भाग, बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में हम पूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है लाइकोपोडियम में जनन, रिप्रोडक्शन इन लाइकोपोडियम। तो रिप्रोडक्शन इन लाइकोपोडियम स्टडी करेंगे हम। रिप्रोडक्शन इन लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम में रिप्रोडक्शन दो प्रकार से संपन्न होता है। प्रथम प्रकार के जनन को हम कायिक जनन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। यह चार विधियों के द्वारा संपन्न होता है। चार विधियों के द्वारा संपन्न होता है। पहली विधि जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, प्रथम विधि को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो चार विधियां हैं इसमें रिप्रोडक्शन की। पहले तो दो विधि बता देते हैं आपको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसकी चार विधियां हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। प्रथम विधि कहलाती है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। एडवेंटिटियस एडवेंटिटियस बर्ड्स रूट ट्यूबरकल रूट ट्यूबरकल्स के थ्रू होता है जनन। बुलबिल्स और गेमी के द्वारा होता है। तो इस प्रकार लाइकोपोडियम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीन विधियों के द्वारा होता है। लाइकोपोडियम का जो मुख्य पादप है वो बीजाणु उद्भिद होता है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज मेन प्लांट बॉडी विच रिप्रोड्यूस बाय टू मेथड्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई स्पोर्स, दैट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये किसके थ्रू होता है? ये बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है, बाई स्पोर्स। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स प्लांट बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज अ मेन प्लांट बॉडी।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, इसे हम कहते हैं खंडन। इस विधि में खंडन द्विभाजीय तनों तक पहुंच जाता है और द्विभाजी बिंदु पर खंडन होने से दोनों तने की शाखाएं अलग अलग होकर के दो नए बीजाणु उद्भिद पादप को जन्म देती है। यह विधि मुख्य रूप से रोपेलोस्टेकिया उपवंश में पाई जाती है। रोपेलोस्टेकिया जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि लाइकोपोडियम जो है उसको हम दो उपवंशों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक उपवंश है यूरोस्टेकिया और दूसरा उपवंश है रोपेलोस्टेकिया। तो रोपेलोस्टेकिया उपवंश में सम्मिलित जातियों में तना द्विभाजी शाखित होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। तो उन जातियों में खंडन विधि पाई जाती है। जैसे देखिए ये स्टेम है, ये स्टेम है और ये द्विभाजी शाखित है, ये दो भागों में शाखित है। जब खंडन यहाँ पर इस बिंदु पर होता है, यहाँ पर बिंदु ये डिके होकर के खंडन हो जाता है, ये यहाँ पर हुआ खंडन, तो ये दोनों शाखाएं अलग अलग हो जाती है। ये दोनों शाखाएं भी अलग अलग हो गई, मतलब यहाँ खंडन होगा तीन शाखाएं जन्म दे देगी, जन्म होगी, तीन शाखाओं का जन्म होगा, तीन टुकड़े हो जाएंगे, एक तो इधर की तरफ हो गया यहाँ से और ये एक इधर की तरफ हो गया इधर, तो तीन नए पौधे बनेंगे। एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे तीन तिराहा कहलाता है, इस बिंदु पर हो रहा है डीके पॉइंट, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से खंडन हुआ तो तीन शाखाएं, तो तीन स्पोरोफिटिक प्लांट बनेंगे। तो ये विधि उन में पाई जाती है जो रोपेलोस्टेकिया उपवंशों में सम्मिलित हैं। तो रोपेलोस्टेकिया उपवंश में जो जातियाँ आती है लाइकोपोडियम की, उनके नाम में लिख रहा हूँ। तो इसमें देखिए इसमें कौन कौन सी जातियाँ आती है, इसमें एक तो आता है लाइकोपोडियम इन अंडेटम। ये रोपेलोस्टेकिया उपवंश है, तो इसलिए खंडन की मुख्य विधि इसमें पाई जाती है, लाइकोपोडियम इन अंडेटम। दूसरा एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम कलेवेटम, यह भी रोपेलोस्टेकिया उपवंश में सम्मिलित जाती है। तो लाइकोपोडियम इन अंडेटम, लाइकोपोडियम कलेवेटम, ये दोनों जातियों में खंडन विधि पाई जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये कायजनन की विधि है खंडन इन दोनों में। अब आते हैं एडवेंटिटियस बर्ड्स, इसे हम कहते हैं अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा। तो ये अपस्थानिक कलिकाएं जो है तने के ऊपर विकसित होती है, और ये जो कलिका है ये मुख्य तने यानी मात्र पादप से अलग होकर नए बीजाणु उद्भिद पादप को जन्म देती है। यह विधि लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम में पाई जाती है। तो ये विधि लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम में पाई जाती है। लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम, इसकी स्पेलिंग देख लेना, REFLEXUM, लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम। इसमें एडवेंटिटियस बर्ड्स बनती है वायवीय तने पर, और वह मात्र पादप से अलग होकर के नए बीजाणु उद्भिद पादप को जन्म देने का कार्य करती है। तीसरी विधि जो है वह रूट ट्यूबरकल्स है। यह कायजनन की विधि मुख्य रूप से लाइकोपोडियम रेमुलोसम में पाई जाती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लाइकोपोडियम रेमुलोसम
सम में पाई जाती है, आर ए आर ए एम यू एल ओ एस यू राइकोपोडियम रेमुलोसम में पाई जाती है। इस प्रकार के कायल जनन में जो मूल है, जो रूट्स हैं, रूट्स के ऊपर, जैसे ये मान लीजिए, ये जैसे ये स्टेम है, ये स्टेम और ये रूट्स हैं, तो ये रूट्स जो हैं इसके ऊपर, इसके बाहर की तरफ या इसके ऊपर छोटी छोटी कंदनुमा संरचनाएं विकसित होती है। ऐसे खाद्य पदार्थों को संचित करके छोटी छोटी कंदनुमा संरचनाएं विकसित होती है, और ये ट्यूबरकल्स, छोटी छोटी ट्यूबरकल्स मात्र पादप से अलग होकर, ये मात्र पादप से अलग हो गई, मात्र पादप से अलग होकर के पुनः नए बीजाणु उद्भिद पादप को जन्म देने का कार्य करती है। तो इस प्रकार की विधि लाइकोपोडियम रेमुलोसम में देखी गई है, इसलिए इस विधि को हम कहते हैं रूट ट्यूबरकल्स, क्योंकि ये रूट पर बन रही है, ट्यूबर्स जैसी संरचनाएं होती है, इसलिए इनका नाम रखा गया रूट ट्यूबरकल्स। फोर्थ जो विधि है उसे हम कहते हैं बुलबिल्स और गेमी, गेमी के द्वारा, गेमा, गेमी प्लूरल शब्द है और गेमा सिंगुलर शब्द है, तो गेमी और बुलबिल्स के द्वारा यह विधि मुख्य रूप से लाइकोपोडियम की एक स्पीशीज है, लाइकोपोडियम ल्यूसीडुलम में पाई जाती है। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लाइकोपोडियम ल्यूसीडुलम स्पीशीज में यह बुलबिल्स विधि पाई जाती है। इस विधि में कुछ कलिकानुमा संरचनाएं वायवीय तने के शीर्ष पर परिवर्धित होती है, और यह कलिका खाद्य पदार्थों को संग्रहित करती है और कलिका नुमा संरचना बना लेती है, जो मात्र पादप से अलग होकर के मिट्टी पर अंकुरित होती है और उससे पुनः नया बीजाणु उद्भिद पादप परिवर्धित होता है। इसलिए इस प्रकार की विधि को बुलबिल्स विधि कहते हैं या गेमी विधि भी कहते हैं। यह विधि लाइकोपोडियम ल्यूसीडुलम नामक जाति में पाई जाता है। तो इस प्रकार ये चारों विधियां जो है अलग अलग जातियों में देखी गई है, और ये इन विधियों के द्वारा कायिक जनन संपन्न होता है। अब दूसरा जनन जिसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होती है। लाइकोपोडियम का बीजाणु उद्भिद पादप बीजाणुओं का निर्माण करता है, बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानी में होता है, बीजाणुधानी में बीजाणुओं का निर्माण होगा, परिवर्धन होगा, और बीजाणुधानी के फटने के उपरांत ये बीजाणु मिट्टी के संपर्क में आते हैं और वहाँ पर इनमें अंकुरण होगा, और अंकुरण होने के उपरांत पुनः एक पादप बनेगा, उसे हम कहते हैं युग्मकोद्भिद पादप। युग्मकोद्भिद पादप बनने के बाद इसमें लैंगिक जनन संपन्न होगा और उससे पुनः बीजाणु उद्भिद पादप बनता है। तो यहाँ पर अब हम स्टडी करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है। लाइकोपोडियम के जो बीजाणु हैं, इनमें सारे बीजाणु समान आमाप के होते हैं। इस प्रकार यह वंश होमोस्पोरस वंश हैं, क्योंकि सारे बीजाणु एक समान होते हैं, जो कार्य के आधार पर और आमाप के आधार पर एक समान हैं। इनका कार्य भी एक ही है और एक ही प्रकार के ये आकार हैं, इसलिए इन्हें होमोस्पोरस कहते हैं, समबीजाणुविक वंश कहते हैं। होमोस्पोरस
बीजाणुओं का निर्माण बीजाणु धानी में होता है, बीजाणुओं का निर्माण बीजाणु धानी में होता है, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम के भीतर बीजाणुओं का निर्माण होगा। स्पोरेंजियम का परिवर्धन किस प्रकार से होता है तब हम पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम का परिवर्धन एक से अधिक आरंभिक कोशिकाओं से होता है। इस प्रकार के परिवर्धन को यूस्पोरेंजियट परिवर्धन कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्धन को हम कहते हैं यूस्पोरेंजियट, यूस्पोरेंजियट परिवर्धन कहते हैं। जो कि एक से अधिक आरंभिक कोशिकाओं से परिवर्धन शुरू होता है। इसके परिवर्धन को हम फ्लो चार्ट के द्वारा संक्षेपित करके अध्ययन करते हैं। ये आरंभिक कोशिकाएं होगी, स्पोरेंजियल इनिशियल सेल कहते हैं इसे, स्पोरेंजियल इनिशियल्स, एक से अधिक है इनिशियल्स आ गया। यह आरंभिक कोशिकाएं प्रथम पेरिक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन से डिवाइड होगी और दो डॉटर सेल बनेगी। इसमें दो डॉटर सेल बनेगी, आउटर सेल को हम कहते हैं आउटर प्राइमरी वॉल सेल कहलाएगी, और इनर सेल को कहेंगे इनर स्पोरोजीनस टिश्यू बनेगा, स्पोरोजीनस टिश्यू बनेगा, इनर स्पोरोजीनस टिश्यू बनेगा। आउटर प्राइमरी वॉल सेल, इसमें होगा अनेकों एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, अपनत और परिणत विभाजनों के उपरांत मल्टी लेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल का निर्माण होगा, मल्टी लेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल बनेगी, स्पोरेंजियल वॉल बनेगी। इसके सबसे इनर मोस्ट वॉल टेपिटम को निर्मित करेगी, इसके सबसे इनर मोस्ट वॉल टेपिटम को निर्मित करेगी, टेपिटम। टेपिटम और बाहर की ओर जो है स्पोरेंजियल वॉल बन जाएगी, स्पोरेंजियल वॉल को फॉर्म करेगी। इस प्रकार बीजाणुधानी चारों ओर से एक से अधिक स्तरों से ढका रहता है, जिसका सबसे भीतरी स्तर टेपिटम कहलाता है। यह टेपिटम बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है, जिससे बीजाणु पूर्ण रूप से परिपक्व हो पाते हैं। इस प्रकार इसे न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं, टेपिटम को। अब इनर डॉटर सेल, जिसे स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, यह अनेकों अनियमित विभाजन होंगे इसमें, इरेगुलर डिवीजन होंगे इसमें, जिससे कई सारी स्पोर मदर सेल बनेगी। स्पोर मदर सेल मियोसिस के द्वारा डिवाइड होगी, अर्धसूत्री विभाजन होगा इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा,
और जिससे अनेकों आगुणित स्पोर्ट्स बनेंगे, आगुणित स्पोर्ट्स बनेंगे। इस प्रकार बीजाणु धाने का परिवर्धन पूर्ण होता है। इसमें देखा कि आपने सबसे पहले स्पोरेंजियल इनिशियल है वो डिवाइड हो रहा है, जिसमें दो सेल बनी, दो डॉटर सेल बनी, एक बाहर की ओर बनी, एक अंदर की तरफ बनी। अंदर में कुछ नहीं, स्पोरोजेनस टिश्यू बन गया, इसमें अनेकों इररेगुलर डिवीजन हुआ। उसके उपरांत द्विगुणित स्पोर मदर सेल बनती है और ये द्विगुणित या डिप्लोइड है। इट अंडरगोज मियोसिस, इसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ और उससे कई सारे बीजाणु बन गए और ये बीजाणु अगुणित हैं। और बीजाणु अंकुरण के पश्चात युग्मकोद्भिद पीढ़ी को जन्म देते हैं और ये बीजाणु चारों ओर से टेपिटम के द्वारा घिरे हुए रहते हैं और टेपिटम बाहर की तरफ स्पोरेंजियल वॉल से घिरे हुए हैं। टेपिटम इनको परिवर्धन के दौरान पोषण प्रदान करता है। जैसे ही बीजाणु बन गए उसके पश्चात भी टेपिटम विघटित नहीं होती है, यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इक्विसिटम की तरह इसमें भी टेपिटम तुरंत विघटित नहीं होती है। बाकी वंशों में टेपिटम तुरंत डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, लेकिन लाइकोपोडियम की टेपिटम तुरंत डिसऑर्गेनाइज नहीं होती है। वह वैसे की वैसी बनी रहती है, बीजाणु बनने के बाद भी बनी रहती है और उसके बाद विघटित होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है और इसमें बीजाणु समान आमाप के होते हैं, इसलिए ये सारे बीजाणु एक जैसे होते हैं। इसे होमोस्पोरस प्रकार के बीजाणु कहते हैं। अब देखते हैं कि जो स्पोरेंजियम है, परिपक्व स्पोरेंजियम, वो किस प्रकार दिखाई देती है, उसकी संरचना कैसी है। तो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर एक पूर्ण फुल मैच्योर परिपक्व स्पोरेंजियम किडनी के आकार की होती है, किडनी नुमा होती है और किडनी नुमा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेनिफॉर्म, रेनिफॉर्म कहते हैं। किडनी नुमा होती है, रेनिफॉर्म होती है या अर्ध गोलाकार संरचना है। यह पीले या नारंगी रंग की दिखाई देती है, यह पीले या नारंगी रंग की दिखाई देती है, जिसमें अनेकों बीजाणु भरे रहते हैं, जिसमें अनेकों बीजाणु भरे रहते हैं और बीजाणु पर्ण की एडेक्सियल सरफेस, बीजाणु पर्ण के एडेक्सियल सरफेस, एडेक्सियल सरफेस पर लगी रहती है। जैसे देखिए ये इसका ये लीफ है और ये इसका आधारी भाग है, ये इसके अर्धशाखित मध्य शिरा है, तो यहाँ पर ये लगी हुई रहती है इस तरह से और इसमें बीजाणु भरे रहते हैं। और जो बीजाणु पर्ण हैं उसके जो मार्जिन होते हैं वो ऐसे सीरेट होते हैं, ऐसे ऐसे सीरेट मार्जिन होते हैं इसके। इस प्रकार इनके जो मार्जिन होते हैं वो कैसे होते हैं, सिर्रेट होते हैं, करकच्ची कहते हैं, करकच्ची, करकच्ची प्रकार के होते हैं, सिर्रेट होते हैं। और इसमें ये बीजाणु भरे हुए रहते हैं, ये बीजाणु पर्ण है, इसे हम कहते हैं स्पोरोफिल, स्पोरोफिल, ये स्पोरोफिल है, ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम है और इसमें ये स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स भरे हुए हैं। तो स्पोरेंजियम किडनी शेप की होती है, गोलाकार या अर्ध गोलाकार होती है, जिसमें छोटा व्रंथ पाया जाता है, इसमें छोटा व्रंथ भी पाया जाता है, स्टॉक, ये छोटा सा व्रंथ है, ये नीचे की तरफ ये व्रंथ है, इसे हम कहते हैं स्टॉक, स्टॉक है ये, जिससे ये अटैच रहती है, इसमें बीजाणु भरे रहते हैं। और ये बीजाणु धानी बीजाणु पर्ण
बीजाणु पर्ण के एडेक्सियल सरफेस पर लगी रहती है। बीजाणु पर्ण के एडेक्सियल सरफेस पर लगी रहती है। यूरोस्टेकिया और रोपेलोस्टेकिया उपवंशों में बीजाणु पर्णों की स्थिति अलग अलग प्रकार की होती है। यूरोस्टेकिया उपवंशों में बीजाणु पर्ण दूर दूर वितरित रहते हैं और ये अस्ट्रोबिलस या शंकुनुमा संरचना नहीं बनाते हैं, जबकि रोपेलोस्टेकिया उपवंश में बीजाणु पर्ण पास पास व्यवस्थित होकर के एक सुसंगठित शंकु अथवा अस्ट्रोबिलस नामक संरचना को निर्मित करते हैं। तो रोपेलोस्टेकिया उपवंश में सम्मिलित जातियों में शंकुनुमा संरचना पाई जाती है, लेकिन यूरोस्टेकिया में शंकु नहीं पाया जाता। तो इसमें रोपेलोस्टेकिया में जो शंकु बनते हैं वो शंकु का मैं फिगर बना देता हूं। उस शंकु का हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट करके इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं तो वो इस प्रकार इसका फिगर दिखाई देगा। ये स्पोरोफिल है, ये बीजाणुधानी है, ये इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। ये स्पोरेंजियम है। ये शंकु का एक्सिस है, कॉन एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अस्ट्रोबिलस, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अस्ट्रोबिलस, इसमें बीजाणु उपस्थित रहते हैं। बीजाणु भरे रहते हैं इसमें। यह स्पोरोफिल हो गया, स्पोरेंजियम, स्पोरोफिल, स्पोरेंजियम, स्पोर्स, अस्ट्रोबिलस की स्थिति वायव्य तने के शीर्ष पर पाई जाती है या शाखाओं के शीर्ष पर पाई जाती है। बीजाणुधानियों की स्थिति भी अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार की होती है। बीजाणुधानियों की स्थिति, शंकुओं में बीजाणुधानियों की स्थिति भी अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे देखिए यहां पर एक बात और ध्यान रखना है कि जो बीजाणु पर्ण है इनके बीजाणु पर्ण के जो मार्जिन होते हैं वो इसे सिरेट होते हैं, और ये जो बीजाणु पर्ण है सामान्य प्रणों की तुलना में ये बीजाणु पर्ण छोटे आकार के होते हैं, क्योंकि सामान्य जो पर्ण है वो बड़ी होती है, उनकी तुलना में ये बीजाणु पर्ण छोटे होते हैं और पास पास व्यवस्थित होकर के सुसंगठित अस्ट्रोबिलस को बनाते हैं। तो शंकु किसमें पाए जाते हैं आपको बताया था, रोपेलोस्टेकिया में बता रहे हैं, यूरोस्टेकिया में तो शंकु होते ही नहीं है। तो रोपेलोस्टेकिया के अंतर्गत ही इन बीजाणुधानियों की स्थिति जो है अलग अलग प्रकार की पाई जाती है।
जैसे देखिए, एक्जिलरी एंड शीथ, दूसरी स्थिति होती है एक्जिलरी एंड नेकेड, और थर्ड जो पोजीशन होती है वो होती है सबफोलियर, सबफोलियर एंड नेकेड। ये जो स्थिति है ये किस प्रकार की स्थिति है? ये है एक्जिलरी एंड नेकेड। आप देखिए, ये बीजाणुपण के ये एक्सिल पे यहां पे आधार पर लगी हुई है और ये नेकेड है, इस पर कोई शीत नहीं है। इसके ऊपर अगर यहां से शीत बन जाती है तब हम कहेंगे एक्जिलरी एंड शीत। और एक होती है सब फोलियर एंड नेकेड, सब फोलियर नेकेड में यहां आएगी बीजाणुधानी और वह उस पर भी कोई शीत नहीं होगी। तो अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार की होती है। एक्जिलरी एंड नेकेड प्रकार की जो बीजाणुधानी की स्थिति है यह लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम में पाई जाती है, लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम में पाई जाती है। तो मैं यहां पे स्पीशीज का नाम लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं कि ये किस में पाया जाता है। ये जो स्थिति ये बताई ये वाली, ये पाई जाती है लाइकोपोडियम की स्पीशीज है, लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम, ल्यूसिडुलम में पाई जाती है, लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम, जिसका कि फिगर बनाया गया है और यही मोस्ट कॉमन टाइप है, इसलिए इसका फिगर यहाँ बनाया गया है। इसमें एक्जिलरी और नेकेड मिलेगी लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम में। एक्जिलरी एंड शीथ प्रकार का जो स्पोरेंजिया है वह लाइकोपोडियम की स्पीशीज है, इन अंडेटम में पाई जाती है, लाइकोपोडियम इन अंडेटम लिख देता हूँ, लाइकोपोडियम इन अनडेटम में पाई जाती है, लाइकोपोडियम इन अनडेटम, INUNDATUM, इन अनडेटम। थर्ड प्रकार की जो स्थिति है स्पोरेंजियम की वह लाइकोपोडियम अस्क्विरसम स्पीशीज में पाया जाता है, लाइकोपोडियम अस्क्विरसम, लाइकोपोडियम अस्क्विरसम। लाइकोपोडियम अस्क्विरसम पाई जाती है। इनको आपको अंडरलाइन करना है, स्टूडेंट्स अक्सर अंडरलाइन नहीं करते हैं। ये फर्स्ट जो वर्ड हैं वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड वर्ड स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों को हम पृथक रूप से अंडरलाइन करेंगे। तो लाइकोपोडियम इन अंडेटम, एक्जिलरी एंड शीथ, लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम, एक्जिलरी एंड नेकेड, लाइकोपोडियम अस्क्विरसम टाइप ऑफ स्पोरेंजियम, सब फोलियर एंड नेकेड। ओके, तो यह भी आपको लर्न करना है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि स्पोरेंजियम का निर्माण यू स्पोरेंजियट प्रकार का होता है और जो बीजाणु बनते हैं वो सारे के सारे बीजाणु समान आमाप के होते हैं और बीजाणु धानियां बीजाणु पर्णों के एडक्सियल सरफेस पर लगे रहते हैं और रोपेलोस्टेकिया में सुसंगठित स्ट्रोबिलस पाए जाते हैं लेकिन यूरोस्टेकिया में नहीं पाए जाते हैं। अब बीजाणु बन चुके हैं और बीजाणु अंकुरित होने के उपरांत युग्म कोदबित पीडिक को जन्म देते हैं। तो अपना जो अगला पादप है लाइकोपोडियम का वो है युग्म कोदबित पादप, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। युग्म कोदबित पीडी भी कह सकते हैं, युग्म कोदबित पीडी। डायग्राम ड्रॉ कर लिया आपने।
गैमेटोफिटिक प्लांट, गैमेटोफिटिक प्लांट। बीजाणुधानी की भित्ति बहुस्तरीय होती है, उसमें से कुछ कोशिकाएं मोटी होकर के एस्टोमियम बनाती है। ये एस्टोमियम कोशिकाएं फटने के उपरांत बीजाणुधानी से बाहर मुक्त हो जाते हैं। और मिट्टी पर आकर नए स्वतंत्र युग्मकोद्भिद पादप को जन्म देते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि बीजाणु युग्मकोद्भिद पादप की प्रथम कोशिका है। बीजाणु युग्मकोद्भिद पादप की प्रथम कोशिका है। लाइकोपोडियम के बीजाणुओं का अमाप 0.03 से लेकर के 0.05 मिलीमीटर तक होता है। 0.03 से लेकर के 0.05 मिलीमीटर व्यास के होते हैं, इतने छोटे होते हैं। तो ये देखिए, ये बीजाणु है, ये बीजाणु है, और इन बीजाणुओं का अमाप कितना है, 0.03 से 0.05 मिलीमीटर तक होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है और कणिकामय कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कणिकामय कोशिका द्रव्य होता है, इसी के साथ संचित खाद्य पदार्थ भी पाया जाता है। ये संचित खाद्य पदार्थ में क्या क्या होता है, इसमें होती है ऑयल होता है, और फैट ग्लोब्यूल्स होती है, फैट ग्लोब्यूल्स पाई जाती है, मतलब वसा की बूंदें, फैट ग्लोब्यूल्स, और थोड़ी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। इसमें संचित खाद्य पदार्थ होते हैं ऑयल, फैट ग्लोब्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, ये बीजाणु के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। बीजाणुओं के ऊपर त्रिअरीय कटक स्पष्ट होता है, इस तरह से कटक पाए जाते हैं इसमें, जो कि एक्जाइन से बनता है। बाह्य स्तर को एक्जाइन कहते हैं, एक्जाइन से ही त्रिअरीय कटक बनता है। जैसे कि देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये इस तरह का कटक पाया जाता है। ये बीजाणु को मैंने बड़ा किया ना, तो बड़ा करने के बाद इसको मैग्नीफाई करते हैं, तो इस तरह से इसमें त्रिअरीय कटक नजर आता है। यहाँ पे ये त्रिअरीय कटक कहलाता है, इसे हम कहते हैं ट्राई रेडिएट रिज। ये बीजाणु को बड़ा करते हैं, इनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं बड़ा करके, मैग्नीफाई करके, तो इसमें इस तरह का एक अलंकृत होता है एक्जाइन का, जिसमें कई सारे ट्राई रेडेड रिज नजर आते हैं। तो ये रिज दिखाया गया यहाँ पे। अंकुरण के दौरान बीजाणु जल को अवशोषित कर लेते हैं और ये फूल जाते हैं, और फूलने के फलस्वरूप ये ट्राई रेडेड रिज से फट जाती है, इसकी भित्ति फट जाती है, यहाँ से फट जाएगा, और फटने के बाद ये इसमें विभाजन शुरू होता है, और विभाजन शुरू होगा तो सीधी सी बात है, युग्मकोद्भिद का परिवर्तन शुरू हो चुका है। कुछ जातियों में बीजाणुओं के मुक्त होने के उपरांत ही अंकुरण शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ जातियां ऐसी भी है जिनमें अंकुरण रुक जाता है और कई वर्षों के बाद उसमें अंकुरण शुरू होता है। तो ऐसी जातियां जिसमें
बीजाणुधानी से बीजाणु मुक्त होने के उपरांत थोड़े समय के अंतराल के पश्चात ही अंकुरित हो गए, तो इस प्रकार के युग्मक उद्भिद वायवीय होते हैं। इस प्रकार के जो युग्मक उद्भिद का जो प्रोथरस बनेगा वो कैसा होगा? वायवीय होगा। अधिकांश भाग मिट्टी के ऊपर रहेगा। लेकिन ऐसी जातियां जिसके बीजाणु बीजाणुधानी से मुक्त हो चुके हैं और अंकुरण रुक गया, उसमें 5-6 वर्षों के बाद अंकुरण शुरू होता है, तो इनके प्रोथलस भूमिगत होते हैं। इनके प्रोथलस कैसे होंगे? इनका युग्मक उद्भिद कैसा होगा? भूमिगत होगा, मिट्टी के नीचे दबाव रहेगा, जिसे हम कहते हैं सबटेरेनियन। तो इस प्रकार के प्रोथलस को हम द्वितीय प्रकार के प्रोथलस कहते हैं, और जिसके पहले जो बताया था वो प्रथम प्रकार के प्रोथलस हैं। और एक लाइकोपोडियम की अधिपाद भी जाती है जिसका नाम है लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया, उसका प्रोथलस अनियमित आकार का होता है, जो कि पुरानी लकड़ी या पुराने वृक्षों के शाखाओं के जो बाड़ के जो छाल है उसके ऊपर इनका निर्माण होता है। ये प्रोथेलस तृतीय प्रकार के प्रोथेलस कहलाते हैं। इस प्रकार लाइकोपोडियम के युग्मक उद्भिद पादप तीन प्रकार का होता है, प्रथम प्रकार वायवीय प्रकार, द्वितीय प्रकार भूमिगत प्रकार, और तृतीय प्रकार अनियमित प्रकार, और तीनों अलग अलग जातियों में पाया जाता है। जो प्रथम प्रकार है वायवीय, वह लाइकोपोडियम सरनुअम में पाया जाता है। दूसरा प्रकार है वह लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम में पाया जाता है। तृतीय प्रकार है वह लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया में पाया जाता है। यह भी हम विस्तृत रूप से इसकी अध्ययन करेंगे, चित्र के साथ करेंगे। तो यह आपने देखा बीजाणु की संरचना, बीजाणु कैसे होते हैं, समान आकार के होते हैं, इसमें त्रिअरे कटक स्पष्ट होता है, और अंकुरण के दौरान यह त्रिअरे कटक फट जाता है और बीजाणु की कोशिकाएं जो है विभाजित होती है। तो प्रथम विभाजन किस प्रकार होगा वो देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम टॉपिक चेंज करेंगे या लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, युग्मक उद्भिद का परिवर्तन, उसमें डिवीजन पढ़ेंगे। तो यहां आएगा डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफिटिक प्लांट। यह आ गया डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफिटिक प्लांट। ओके, तो यहां देखिए अंकुरण के दौरान यह कटक फट गया और इसमें देखिए यह फर्स्ट डिवीजन हुआ। फर्स्ट डिवीजन कैसा हुआ? अनइक्वल डिवीजन। कैसा हुआ? अनइक्वल हुआ। और ये सारे डिवीजन कैसे होंगे? माइटोसिस प्रकार के होंगे, मियोसिस नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये कोशिका कैसी है? हैप्लोइड है। तो सारे डिवीजन जो है इसमें माइटोसिस प्रकार के होंगे। प्रथम विभाजन असमान समसूत्री होगा और उसके उपरांत दो असमान आकार की कोशिकाएं बनेगी, दो बनेगी असमान आकार की कोशिकाएं। ये देखिए इसमें एक कोशिका छोटी कोशिका है और एक बड़ी कोशिका बनती है। छोटी कोशिका को हम कहते हैं राइजोइडियल सेल, राइजोइडियल सेल, राइजोइडियल सेल, हिंदी में कहते हैं मूलाभासीय कोशिका, मूलाभासीय कोशिका। और दूसरी जो कोशिका है वो बड़ी है, इसलिए इसका नाम लार्जर सेल कहते हैं, लार्जर सेल नाम रखते हैं। इस प्रकार प्रथम विभाजन के उपरांत दो कोशिकाएं बन गई। अब ये जो छोटी कोशिका है जो कि लेंस के आकार की है, लेंस नुमा है, यह आगे विभाजित नहीं होगी, इसमें आगे विभाजन नहीं होगा। अर्थात मूलाभासीय कोशिका युग्मक उद्भिद के परिवर्तन में भाग नहीं लेगी। संपूर्ण युग्मक उद्भिद पादप का परिवर्तन लार्जर कोशिका से ही होगा। तो लार्जर कोशिका पुनः डिवाइड होती है, पुनः विभाजित होती है, ये इसमें वापस डिवीजन होगा। कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा, अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। इसमें अनुदैर्ध्य विभाजन के उपरांत दो कोशिका बनेगी, दो कोशिका बनेगी। इसका फिगर मैं इधर बना देता हूं, ये देखिए ये दो कोशिका बन गई, ये तो पहले से ही थी और ये दो कोशिका बन गई। इस कोशिका का नाम हो गया अपर सेल, क्योंकि ऊपर की तरफ है इसलिए इसका नाम हो गया अपर सेल। और ये जो राइजोइडियल सेल के जो पास में जो कोशिका व्यवस्थित है उसका नाम बेसल सेल है, इसको हम कहते हैं बेसल सेल, बेसल सेल।
ये बेसल सेल हो गई और ये राइजोइडल सेल है, ये यहां तक युग्मक उद्भिद का परिवर्धन थ्री सेल्ड स्टेज तक पहुंच चुका है। आप देखिए कोशिकाएं कितनी हैं, 1, 2, 3, इसे कहते हैं तीन कोशिकीय अवस्था। यहां तक पहुंचते पहुंचते बीजाणु में उपस्थित खाद्य पदार्थ खत्म हो जाते हैं। जो इनमें खाद्य पदार्थ संचित था, जो वसा बूंदों के रूप में, तेल के रूप में था, वह संचित खाद्य पदार्थ यहां पर समाप्त हो चुका है। इसलिए आगे का परिवर्धन या आगे का विभाजन तभी शुरू होगा जब आधारी कोशिका में फंगल माइसिलियम प्रवेश करेगा। फंगल माइसिलियम मीन्स ये है कि कवकों के तंतु जो कि फाइकोमाइसिटिज क्लास के सदस्य होते हैं, तो फाइकोमाइसिटिज क्लास के सदस्य इसमें पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद यहां पर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्थापित होगा। और उस सहचर्य को हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन, तो एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन होगा, तब आगे परिवर्तन होगा। यदि फंगल माइसिलियम प्रवेश नहीं किया, आधारी कोशिका में प्रवेश नहीं किया, तो यह परिवर्धन यहीं पर रुक जाएगा। इसलिए फाइकोमाइसिटिस के फंगल माइसिलियम जब इसमें प्रवेश करेंगे, जैसे मैं प्रवेश करा रहा हूं, देखिए ये फंगल माइसिलियम है, ये फंगल का माइसिलियम है, ये फंगल माइसिलियम, इसमें सेप्टा नहीं होते हैं, ये फंगल माइसिलियम है, ये इसमें प्रवेश करेगा, ये प्रवेश कर गया, ये प्रवेश कर गया, एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई, इसे कहते हैं फंगल माइसिलियम, ये यहां पे इसमें प्रवेश किया, फिर आगे डिवीजन होगा। तो जब आगे डिवीजन होगा तो अपर सेल में डिवीजन होगा, बेसल सेल में डिवीजन नहीं होगा, अपर सेल में डिवीजन होगा, ऑब्लिक डिवीजन होगा इसमें, ऑब्लिक डिवीजन, और उससे चार कोशिकाएं बन जाएगी। ठीक है ना, इसमें डिवीजन हुआ, देखिए तो तीन तो पहले ही थी, ये ऐसी कैसी हो गई, ये हो गया, और फिर ये डिवीजन हुआ इस तरह से, ये देखिए कितने सेल हो गई, 1, 2, 3, 4 बन गई। अब इस सेल का नाम तो बेसल सेल है ये, और ये अपर सेल दो में डिवाइड हो गई, ठीक है ना। फिर ये जो सेल है इसका नाम है आउटर सेल, अब इसका नाम आउटर सेल हो गया, ये सेल हो गई एपिकल सेल, और ये सेल है बेसल सेल, और ये हो गई राइजोडियल सेल, बन गई। ये बन गया, ये डायग्राम क्लियर हो गया, ये बेसल सेल हो गई, राइजोइडल सेल हो गई, इसमें ये एपिकल सेल फिर डिवाइड होती है, इसमें डिवीजन होता है, इसमें डिवीजन हुआ, कौन सा डिवीजन हुआ, ओब्लिक डिवीजन, तो फिर इसमें 5 सेल बन जाएगी, ये तो हो गई राइजोइडल सेल, और ये इधर आ गई, और ये सेल, ये सेल तो गई आउटर सेल, ये हो गई एपिकल सेल, ये हो गई बेसल सेल, और ये हो गई राइजोइडल सेल।
दो तीन चार पाँच, फाइव सेल स्टेज तक डेवलपमेंट हो चुका है। अब आगे का परिवर्तन अनियमित विभाजनों के उपरांत यहां पे गैमेटोफाइट बन जाएगा। आगे और विभाजन होगा तो गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो यहां पर फाइव सेल स्टेज हो गई, इसमें एपिकल सेल वन है, आउटर सेल टू है, तो यहां टू आ गया, टू और वन थ्री, थ्री फोर और फाइव। द्वितीय प्रकार का जो प्रोथेलस है वो पांच कोशिकीय अवस्था के बाद उसमें विभाजन रुक जाता है और फिर दो तीन वर्षों के पश्चात इसमें विभाजन शुरू होता है, उसके उपरांत उसमें भूमिगत प्रोथेलस बनते हैं। और प्रथम प्रकार में ये रुकता नहीं है, ये आगे विभाजित होंगे और वायवीय प्रकार का प्रोथेलस बनता है। इस प्रकार लाइकोपोडियम के युग्मक उद्भिद का परिवर्धन आपने अध्ययन किया। इसके बाद जो युग्मक उद्भिद है, परिपक्व युग्मक उद्भिद, वो तीन प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार का वायवीय होता है, द्वितीय प्रकार का भूमिगत होता है, और तृतीय प्रकार का जो है वो अनियमित आकार का होता है। ठीक है ना, उसके बारे में भी शॉर्ट में मैं टेबल बना के बता देता हूँ। तीन टाइप के होते हैं ये गैमेटोफाइट। पहला तो है एरियल और दूसरा है सबटेरेनियन और थर्ड है इरेगुलर। एरियल मिलेगा लाइकोपोडियम सरनुअम के अंदर, ये मिलेगा लाइकोपोडियम कलेवेटम में, एक स्पीशीज हो रहा है लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम में भी पाया जाता है, कॉम्प्लेनेटम। ये मिलेगा लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया, इस प्रकार सबटेरेनियन जो है लाइकोपोडियम कलेवेटम और लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम। ये कैरेट नुमा होता है, एक गाजर की तरह दिखाई देता है, और ये लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया इरेगुलरली ब्रांच्ड है। तो आज आपने लाइकोपोडियम के जनन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और साथ ही युग्मक उद्भिद के परिवर्धन के बारे में भी स्टडी किया और इसके टाइप्स ऑफ गैमेटोफाइट के बारे में भी स्टडी किया। थैंक यू।